समझ में हो जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ तुम्हारे रूप की छाया में साजन तुम्हारे रूप की छाया में साजन बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ सलोना सा सरन है और मैं हूँ चुराए चैन रातों को जगाए चुराए चैन रातों को जगाए पिया का ये चलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सुना सा सजन है और मैं हूँ जी। सबसे पहले तो नमस्कार आपको और हमारे सारे श्रोताओं को। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी मौका मिलता है कहीं पे भी श्रोताओं से संगीत प्रेमियों से जुड़ने का, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा ही स्टेज है, तो अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ जुड़ के बातें करके। तो ये सवाल तो जैसे आपने बताया कि हर बार पूछा जाता है और ज़रूर मैं बताऊँगी। तो ऐसा है कि बचपन से घर में संगीत का माहौल था, मेरी नानी जी और माँ दोनों गाते थे और बहुत ही अच्छा गाते थे। उनसे ही मैं सीख सीख के बड़ी हुई हूँ और 3 साल उम्र से तबले के साथ गाने लगी थी, तो ऐसे बोल सकते कि उन्हीं के गोदी में बैठ के गाना सीखा। और हमारे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, मैं बंगाल से हूँ कोलकाता से, तो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं रविंद्र संगीत, नजरुल गीति जो कि काजी नजरुल इस्लाम की लिखी हुई गीत, तो वो गाना सीखती थी। इसके अलावा श्यामा संगीत बोलते हैं जो काली माता की गाने होते हैं, वो सीखती थी। तो ऐसे ही सीखते सीखते घर में ही मतलब तालीम चल रहा था। और मेरी माँ सीखती थी गाना नीता सेन करके एक नामी कंपोज़र थी कलकत्ता में, तो उनसे वो तालीम लेती थी, तो मैं उनके साथ चली जाती थी और घंटों घंटों वहाँ बैठ के सुनती थी कि बड़ों को क्या सिखाया जा रहा है। तो अगर घर के बाहर कहीं तालीम हुई हो तो मैं बताऊंगी वही नीता जी के पास ही मैंने सीखा कि फाइनर नुआंसेस बचपन में ही, तभी मतलब वो कहते थे कि कितना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट होता है भावना गानों में, इमोशंस, या कहाँ सांस छोड़ना कहाँ सांस लेना, ये सब वो सिखाते थे। और मुझे भी काफ़ी उन्होंने तभी ये सिखाया कैसे क्या गाना है। तो ऐसे ही मतलब तालीम हो रही थी। और तभी नामी जो बहुत प्रसिद्ध राइटर लिरिसिस्ट थे बंगाल के, गौरी प्रसन्न मजुमदार करके, हालांकि उनके गानों में लता जी ने बहुत उनके बहुत सारे गाने गाए हैं, तो उनका जो स्मरण सभा होता था, स्मृति सभा जो कहते हैं, उसमें मैं चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे गाना गाती थी। तो तभी बहुत सौभाग्य हुआ कि हेमंती शुक्ला जी, अनूप घोषाल जी, फिर रविंद्र जैन जी, उनके साथ मैंने एक मंच में गाया, हालांकि बहुत छोटी थी, लेकिन उनके साथ वो गाने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला कैसे मतलब गाया जाता है, कैसे मतलब ऐसा है। रविंद्र जैन जी एक बार उन्होंने हारमोनियम भी बजाया था जब मैं बैठ के गा रही थी। तो ऐसे ही संगीत की शुरुआत हुई जिंदगी में। बिल्कुल, मतलब ये हमारे फैमिली में तो ऐसा था कि पढ़ाई
आगे सुबह उठ के रियाज करना जैसा था ये योगा जैसा, कि सुबह उठ के आप साह लगाओ और ये करो, वो तो ठीक है, वो अपना योगा जैसा हो गया, लेकिन दिन भर की पढ़ाई में कोई भी मतलब चुप नहीं होनी चाहिए, और पढ़ाई में मतलब मार्क्स अच्छे आना बहुत बहुत जरूरी थे, लेकिन अच्छा आना ही है मार्क्स। और ऐसा हुआ कि उसके बाद जब स्कूल टाइम तक तो बहुत गा लेती थी, मज़े में रियाज गाना ये सब चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ ना, तो बहुत मैंने साइंस लिया था, तो जेवियर्स में बहुत मुश्किल से एडमिशन तो मिलती कम है ना वहाँ पे, तो कंप्यूटर साइंस लिया, उसके साथ फिजिक्स और मैथ्स, तो लैब करके और फिजिक्स मैथ्स निपटा के उसके बाद गाने का मौका मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही कम आता था। और उसी वक्त मतलब ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में आप जब बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो कोई चीज़ में, उसी वक्त आपको ऐसा कोई मौका आता है जो आप नहीं ले पाते हो, तो बहुत ज़्यादा चुभता है। उसी वक्त मुझे ए आर रहमान साहब से एक मिलने का मौका मिला था, और ये मौका मिला था कि चेन्नई में मैं जाऊँ और ज्वाइन करूँ एज अ कोरस आर्टिस्ट या जो भी, वहीं शुरुआत शायद होती। ये मौका मिलने के बावजूद मजबूरियाँ हालात जो थे तभी साइंस लेके, तो बिल्कुल भी वो घर वालों को मनाना अकेले जाना जाके चेन्नई में ये तो नहीं हो पाया। आज तक मैं वो सोचती हूँ तो मुझे बहुत कुछ लगता है कि क्यों नहीं गई, लेकिन ऐसे हालात थे। आई एम श्योर सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप ये तय नहीं कर पाते हो क्या करना, आप छोटे भी होते हो तो वो डिसीशंस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो पढ़ाई ही चलती रही मतलब उसके बाद से, तो जो भी मैंने शोज किया वगैरह, लेकिन पढ़ाई साथ साथ इट वॉज ऑलवेज देयर। जैसे मास्टर्स ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, वो भी साइंस में, उसके बाद MBA, तो सब कुछ एक के बाद एक चलता रहा, नौकरी ये कंटिन्यूअस चला। तो अच्छा सवाल था आपका ये कि कैसे बैलेंस। जी बिल्कुल, बहुत प्यार मिलता था स्कूल में, ये तो है। एक बुजुर्ग टीचर थी जो हर बार इंडिपेंडेंस डे में जो गाने होते हैं, फ्रीडम वाले गाने, इंडिपेंडेंस डे वाले गाने, उसमें एक गाना बंगाली सॉन्ग था जिसका नाम है एक बार विदाई दे माँ फिरे आशी, वो लता जी का गाया हुआ गाना है और ये खुदीराम बोस के ऊपर है। और ये गाना जो है बिल्कुल एक क्या बताऊँ आप, कहानी जैसा है कि आप सुनते रहो तो उनके लाइफ की कहानी बता रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी की कहानी, कि आज वो मरने वाले हैं लेकिन फिर भी उनमें जो जोश जुनून और देश के लिए, कि हंस हंस के हम विदा लेंगे माँ आपसे। तो ये गाना मैंने गाया और उन्होंने मुझे बताया कि आज ही सुबह मैंने रेडियो पे लता जी की आवाज़ में सुना और फिर तुम्हारे आवाज़ में सुना, मुझे दोनों ही सुन के इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। तो ऐसे बहुत प्यार मिलता था गाने की वजह से, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। तो ये तो बिल्कुल है, लेकिन क्या है हमारे देश में टैलेंट बहुत है और सब बाप माँ यही चाहते हैं कि आप गाने में अगर कुछ कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाए जो होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारा किस्मत का भी खेल है ना, तो इसलिए माँ बाप सब चाहते हैं कि आप पढ़ाई भी करो, ताकि कुछ नहीं हो तो आप ज़रूर नौकरी करोगे, अच्छा ज़िंदगी में कुछ करोगे ना। बट ऐसा नहीं है कि संगीत दूर कर दे, इसलिए संगीत तो साथ रहता ही है, जैसे वेन्स में दौड़ता है, रग रग में दौड़ता है वैसे। बिल्कुल, सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता और बहुत वक्त बाकी है, कितना ही सीखा है, बहुत सारा सीखना बाकी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि और सीखे, बहुत सारे टाइप के गाने सीखे, अपना जो शास्त्रीय संगीत है उसमें अपना और भी दखल आना चाहिए। तो वो बिल्कुल आपने जो पूछा तो बिल्कुल सवाल तो एकदम जायज़ है, बिकॉज अभी उम्र पड़ी हुई है तो सब सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि एक एक इट्स अ बिग कोइंसिडेंस कि अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, और यूं है कि अभी ही मैंने ये डिसीजन लिया है पिछले 1-2 महीने से कि मुझे म्यूज़िक ही करना है। काफ़ी साल से मैंने जॉब किया, उसके साथ साथ म्यूज़िक भी कर रही थी, लेकिन अभी मैंने ये डिसीशन लिया और मैंने जॉब से ब्रेक लिया हुआ है कि मुझे म्यूज़िक ही करना है, और उसी स्टेप में, उसी डायरेक्शन में मैं चल पड़ी हूँ, और आप सबका आशीर्वाद और गुड विशेस मुझे चाहिए कि इसमें मैं कामयाब हो सकूँ। हाँ जी, तो आपका सवाल था कि कैसे ये डिसीजन पे आई मैं, तो यूँ हुआ कि पढ़ाई और उसके बाद नौकरी, उसके बाद मैं मुंबई आ गई,
मुंबई में नौकरी के सिलसिले में ही आई हालांकि। तो नौकरी करते करते तभी क्योंकि ये मुंबई है तो अपना जो है संगीत का रास्ता फिर से खुल गया। ऐसा लगा कि मुझे ऐसे बहुत से कलाकारों से मिलने का मौका मिला जो संगीत में ही फुल टाइम थे, और उनके साथ में गाने लगी। स्म्यूल नाम के एक ऐप है जहाँ पे और भी काफ़ी को सिंगर्स से मुलाकात हुई। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजिकल कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने मुझे फीचर किया तो उसके वजह से और भी लोगों से मुलाकात और मुझे शोज मिलने लगे। तो मुंबई में काफ़ी सारे ऐसे वेन्यूज़ में जैसे दादर जिम खाना, इस्लाम जिम खाना, माटुंगा क्लब, हाई, ऐसे बहुत से जगहों में, फिर पलेटियम जहाँ पे सलीम सुलेमान साहब के साथ सामने गाने का मौका मिला। तो ऐसे ऐसे जगहों में गाते गाते क्या हो गया, वो संगीत जो है बहुत रेगुलरली फिर से ज़िंदगी में मतलब वापस आ गया, अपने रियाज के अलावा भी। तो जब आप शोज़ करो तो वो माइक हाथ में लेके अपने श्रोताओं के सामने, ऑडियंस के सामने, वो एक अलग ही थ्रिल है जो मैं काफ़ी सालों से खो चुकी थी क्योंकि नौकरी और इसी में आ गई थी। बट फिर से जब वो लाइफ में वापस आया तो बहुत अच्छा लगने लगा और मैं एकदम रेगुलरली उसे परस्यू करने लगी। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, कि बैलेंस भी हो रहा था काफ़ी, कि नौकरी एक तरफ और वीकेंड्स में शो। और लेकिन और उसके बाद हमारे सबके लाइफ में जो डूम आया वो था पैंडेमिक। तो पैंडेमिक आते ही सब कुछ बंद हो गया, जिंदगी जैसे रुक सी गई और कुछ भी नहीं था। सडनली देर वॉज अ पॉज टू एवरी थिंग दैट वी ऑल डिड। वैसे ही एक रात बहुत डिप्रेस्ड होके एक गाने का लाइन मैंने गा के, मैं यूजुअली पुराने गाने बहुत गाती हूँ, मुझे उनमें बहुत ज़्यादा सोल महसूस होता है, अपने आप को ढूंढ पाती हूँ उसी गाने में। तो मैंने अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, वो गाने के कुछ लाइंस मैं गा के मैंने ट्विटर पे पोस्ट करके सो गई थी। रात को 1:30 2 ऐसे कुछ कुछ तो बजे थे। तब तब के दिनों में बहुत इंसोम्निया में हो गया था वो, ऐसे बंद रह रहे के। सुबह उठ के मैंने देखा कि कुछ 3,000 नोटिफिकेशंस मेरे मोबाइल पे, मैंने कहा हो क्या रहा है। फिर देखा वो गाना बिल्कुल वायरल हो चुका था। तो बहुत से सेलिब्रिटीज जैसे संगीतकार, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, शेफ्स, विकास खन्ना जी, ऐसे ऐसे बहुत लोग, मैं बिनाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो संगीत समझते हैं और संगीत प्रेमी हैं, सब ने उसको बहुत ही मतलब सराहा और प्यार दिया और एकदम वायरल हो गया। बहुत से पब्लिकेशंस ने फिर फीचर किया, NDTV, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह, और ऐसे मैंने छोटे छोटे इंटरव्यूज दे उनको कि कैसे क्या। तो अच्छा लगा कि एक कम्युनिटी बन गई थी ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी, जो गाना सुनना चाहते थे और ऐसे ही पुराने गाने। तो रोज़ गा के मैं ऐसे डालने लगी और खूब सारा प्यार मिलने लगा। और उससे ही मुझे फिर से प्राइवेट शोज जो है मिलने लगे जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में है, जो पहले कभी सोचा भी नहीं था कि संगीत ऐसे हो भी सकता है कि आप दर्शकों से साथ में नहीं जुड़ो लेकिन जूम पे आप कर लो ऐसे। तो जूम पे वो सेटअप्स करके, म्यूजिक के सेटअप्स करके फिर गाने लगे, और ऐसे मतलब बहुत से मौके आने लगे और बहुत लोगों से जुड़ने लगी। उसी बीच क्या हुआ कि पैंडेमिक में जब बहुत सब लोग डिप्रेस्ड हुआ करते थे, रात में मैंने एक ना रेडियो फॉर्मेट के शो ऐसे शुरू किया मैंने, जिसको लेट नाइट म्यूजिकल्स बोलती थी। पुराने गाने, बिल्कुल पुराने गाने, 50s के, सुहानी रात ढल चुकी, ऐसे गाने गाती थी और इस सब गानों के बारे में कुछ ट्रिविया अपने ऑडियंस से शेयर करती थी। जैसे मेरी जान जो गाना है वो कैसे सिर्फ विब्रोफोन के सहारे गाया गया है और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे चीज़ें शेयर करती थी। और देखते देखते इसका जो है बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गया इस शो का। रात में कितने लोग ज्वाइन करते थे, पुलिस ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, सारे पार्टीज जैसे एक साथ जुड़ गए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ये अलग पार्टी है वो अलग पार्टी, सबको एक साथ लेके वो शो होता था। हालांकि पूजा भट्ट जी, महेश भट्ट साहब, ये लोग भी इस शो में आ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता था। यही करते करते सब लोग मुझे बहुत एनकरेज करते कि आप संगीत को फुल टाइम क्यों नहीं ले रहे हो, आपका जो आवाज़ है ये आवाज़, सब बोलते कि बहुत नॉस्टैल्जिक गाना उनको सुनने सुनना अच्छा लगता है मेरी आवाज़ में। तो ऐसे सुन सुन के और बहुत सारे मौके भी आ रहे थे फुल टाइम शोज करने का, या किसी के ब्रांड के लिए एक एक्सक्लूसिव शो करने का, मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि साथ में अगर नौकरी हो तो आप वो कर नहीं सकते। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अभी बहुत हो गया, अब अगर इतना पुश मिल रहा है, इतना प्यार, इनकरेजमेंट सब मिल रहा है हर जगह से, तो बिल्कुल इसे लेना चाहिए। ये अब मैं मानती हूँ एक ब्लेसिंग है कि भगवान ने अगर आवाज़ दिया है, प्यार मिल रहा है, तो बिल्कुल इसे यूज़ करना चाहिए। इसीलिए बढ़ चुकी इस दिशा पे। उनका
रिएक्शन यही था कि बिल्कुल बड़ो, अब तो पापा नहीं रहे, वो होते तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता, बिल्कुल पैंडेमिक से पहले ही वो गुजर चुके थे। वैसे उस दिन मेरा एक बहुत बड़ा स्टेज शो था तो, और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे तो मुझे बताया नहीं गया था कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, बट जैसे ही मैं शो से बाहर आई तो मुझे कॉल आया, मैं इमिडिएटली कोलकाता गई। तो वो मुझे ऐसे तब कह रहे थे कि अगर कभी म्यूजिक ले लो फुल टाइम, मुझे ज़रूर मैनेजर बना लेना, मुझे रहना है हर एक चीज़ में तुम्हारे म्यूजिक का, हर हर एपिसोड ऑफ योर म्यूजिक आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट है। बट आज वो है नहीं, लेकिन साथ में नहीं है, लेकिन कहीं तो है, कहीं से तो देख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत मतलब उम्मीद है कि वो कहीं से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आई एम डूइंग व्हाट ही वांटेड लेटर ऑन इन माय लाइफ। बिल्कुल 100%। मेरे घर में एक इतना बड़ा सा वो अलमारी रहता था जहाँ पे मम्मी के सारे कलेक्शंस, रिकॉर्ड्स होते थे सब कुछ, और वो सुनते ऐसे ही पुराने गाने थे, तो मैं बचपन से बड़ी हुई यही सब गाने सुन सुन के, पुराने हिंदी और बंगाली सॉन्ग, हेमंत मुखर्जी, मन्ना दा, लता जी, गीता दत्त जी, संध्या मुखर्जी, तो सारे पुराने गाने ही सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो इससे मुझे बहुत एनेक्डोटिक याद आया, जो मैं स्कूल बस में पिकनिक में जाते हैं जब ना, या फिर कॉलेज से भी कभी फेस्ट में जाते हैं, तो सारे जब भी कोई मुझे बोलता गाना गाओ और मैं ऐसे गाने गाती, सब बोलते कौन से जमाने को हो भाई, कौन से गाने गा रहे हो ये, वो लोग कहो ना प्यार है या कुछ तो ऐसे गाने गाते थे, और मैं गा रही हूँ सुहानी रात गर चुकी, या फिर ऐसे ही कुछ चांद फिर निकला। तो मुझे ये सवाल बार बार पूछते कहाँ से आए हो भाई। तो माँ बाप से सुबह उठ के जो भजन सुनने का जो रियाज है वो बचपन से ही था, मतलब मैं सुबह जब नींद से उठती थी तो मुझे सुनाया जाता था, मम्मी ने ऑलरेडी चला दिया है भजन चल रहा है, तो पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जी के जो भजन है वो तो क्लासिकल बेस्ड जो भजन है वो सुबह से चलता था। तो वो अभी तक मैंने वो रियाज कभी तोड़ा नहीं, मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो कान में वो चलता रहता है। इसके अलावा अजय चक्रवर्ती, पंडित अजय चक्रवर्ती जी, कौशिकी चक्रवर्ती जी, इनका मैं बहुत सुनती हूँ, कौशिकी चक्रवर्ती स्पेशली, बिकॉज बहुत कनेक्ट होता है कि वो इसी जनरेशन के हैं बोल सकते हैं, लेकिन वो जैसे गाते हैं, उनके बेटे को भी वो सिखा रहे हैं, छोटा सा बेटा वो भी ऐसे गाते हैं, और किशोर यामुनकर जी जो हैं, और अब बहुत लोगों को सुनती हूँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल सकती कि एक ही जन को, लेकिन बहुत ज़्यादा सुनती हूँ पंडित अजय चक्रवर्ती जी को, उनको सुन के बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। तो रोज़ सुनने के जो प्लेलिस्ट होता है उसमें ज़रूर भीमसेन जोशी जी रहते हैं और पंडित अजय चक्रवर्ती जी। तो जब बचपन से आप 3 साल उम्र से तबले के साथ गाओ, तो आपको अगर थियोरिटिकल वैसे नॉलेज नहीं हो कि क्या राग में कौन से, आपको लिखना नहीं आए, म्यूजिक वैसे पढ़ना नहीं आए टेक्निकली, लेकिन आपको ज़रूर समझ हो जाती है कि ये कौन सा राग बज रहा है, तो एक गाना अगर बजाए और मुझे बोले कि इस राग में थोड़ा सा गा लो, तो मैं ज़रूर गा लूँगी, क्योंकि ऐसे ही गाना सीखा है कि वृंदावनी सारंग में ये गाना है, तो गीत सुन के समझ आना वो तो बिल्कुल सीखा हुआ है। और आप जो बोल रहे हैं आजकल के दिन में, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि अभी वो चीज़ नहीं रही है, बहुत अच्छे सिंगर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ सिंगर्स का नाम नहीं लूंगी, ऐसे भी सुन के बहुत लगता है कि ऐसे गा के भी ये लोग काफ़ी लंबा रन बॉलीवुड में कर पा रहे हैं, जहाँ आपको बोल सकते कि ऑटो ट्यून ही सब कुछ है उनको, खाली आवाज़ में आप अगर सुन लो, जो मैंने सुना है सामने एक साथ परफॉर्म करते हुए, तो जैसे लग जा गले गाना जो है वो तो बच्चा बच्चा गा देगा, क्योंकि जो जिसको गाना पसंद है ऐसे गाने, लेकिन ऐसे काफ़ी बड़े कलाकार हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो उस गाने का मतलब अंतरा गा ही नहीं पा रहे हैं, वो क्लासिकल या वो अंदाज ही नहीं कि कैसे गाना है ऐसे, लेकिन वो बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके बैक टू बैक प्लेबैक्स आते हैं, एल्बम्स भी आते हैं। तो आजकल के दिन में क्या है, एक तरफ से अच्छा है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ म्यूजिक जो है वो हो चुका है, क्योंकि आप सोशल मीडिया से जा सकते हो, आप कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो, जो पहले नहीं था, इसलिए शायद ऐसे 6 या 7 नाम हम ले पाते हैं, अभी वो हो गया अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ से ये भी आ गया है कि आप कितना अच्छा पैकेजिंग करते हो, आपके पास टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है, कितनी अच्छी टीम है, आपके पास फाइनेंस कितना अच्छा है, रिसोर्सेज बहुत कुछ कहता है कि आप कितना दूर तक जाओगे, नॉट जस्ट योर टैलेंट। तो जो टैलेंट है उसको मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि और सीखूँ, बहुत सीखूँ उसको, और अच्छा करूँ, दखल बनाऊँ अपना, लेकिन किस्मत की बात है, देखते हैं कहाँ तक चलता है। ये जरूर चाहती हूँ कि बहुत दूर तक आवाज़ पहुँचे, अभी जो है वो
वो सोशल मीडिया तक ही है आवाज़। कोई भी सिंगर का यही ख्वाहिश होती थी कि प्लेबैक मिल जाए, ओटीटी मिल जाए, जहाँ बड़े पर्दे में लोग आपको सुने देखे, तो आपका जो है आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँची उससे कई ज़्यादा दूर तक पहुँचे और आप खुशी दे पाओ अपने श्रोताओं को, यही चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मैं ये रियलिटी शोज फॉलो करती हूँ, देखती हूँ बच्चे जो गा रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी तालीम ले रहे हैं बचपन से, कितना सीरियसली ले रहे हैं, और माँ बाप भी आजकल जो हैं बहुत दूर तक, बहुत हद तक जाते हैं कि अपने बच्चे सब कुछ कर पाएँ संगीत में, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बहुत दिखावा का जो है प्रेशर आ गया है बच्चों में, कि ऐसा नहीं कि अपनी खुशी के लिए गाओ और खुश होके मतलब दिल से गाओ, वो उससे ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो गया कि मेरे को इतने ताने आते हैं मुझे, तो ये सारे ताने मैं इसी टाइम में बिल्कुल करके दिखा दूँ। और जजेस को भी शायद ये प्रेशर होता है कि ऐसे ही कुछ चाहिए जहाँ पे वो उठ के खड़े होके क्लैप कर सके, स्टैंडिंग ओवेशन, क्योंकि आजकल लोग जो है उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, सबको ड्रामा चाहिए। अगर कुछ नॉर्मल सा होता, आप अगर पुराने रियलिटी शोज आप देखे हैं, हम अगर मेरी आवाज़ सुनो जैसे बहुत पुराने जो आते थे सारे गामा, ये सब मैंने ये सब बाद में यूट्यूब में देखा है, तो उसके साथ आप देखें तो बहुत स्टार्क डिफरेंस है आजकल के रियलिटी शो में। तभी इतना ओवर द टॉप ड्रामा नहीं होता था, और जो गाना जैसा गाया जाए, कोई गाना अगर रहे ना रहे हम महका करेंगे, तो वो महका करेंगे पता नहीं, मेरे जो प्यार है वो ऐसा नहीं कि उसमें ताने मार के बोल रहे हैं कि महका करेंगे, जहाँ जो ज़रूरत है उतना ही करना है। हमें सब विद्या एक ही साथ एक जगह नहीं दिखा देना है, हमें ये भी दिखाना है कि हम इंसान हैं और उसमें वो इमोशंस, वो भावनाएं हैं। मैंने कौशिकी चक्रवर्ती जी का एक इंटरव्यू सुना था लता जी के बारे में, तो वो बता रहे थे कि सब हमें बोलते हैं हम डीप क्लासिकल और हैवी क्लासिकल गाते हैं, और लता जी तो लाइट मेलेडी गाते हैं। तो ये बोलना चाह रही थी, वो ये बता रही थी कि लाइट मेलेडी क्या होती है भाई, हम जो 1.5 घंटे में गा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि लता जी जब गाती हैं तो वही 2.5 मिनट के गाने में उन्होंने सब कुछ एक साथ डाल के ऑडियंस को, श्रोताओं को बिल्कुल स्तंभित कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे, लाइट किसे बोलते हैं? तो मुझे को लगता है जो दिल से आए ना, हृदय से आए, बिल्कुल वही गीत है। संगीत क्यों आया है दुनिया में, मुझे लगता है इसीलिए आया ना, आर्ट फॉर्म्स, इंसान को दिल से बिल्कुल छुए, दिल को वो विद्या जाहिर करना उसी वक्त में 1 मिनट में, जो दिल से गा रहे हैं जिनका बिल्कुल वही एक्सपर्टीज है, बच्चे बिल्कुल क्लासिकल ही गा रहे हैं, वो ताने सुना रहे, एक राग और ख्याल ठुमरी पकड़ा उसी को गा रहे, तो बहुत बढ़िया। लेकिन जहाँ पे मैं देखती हूँ गानों में बहुत ज़्यादा क्लासिकल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है कि धीरे भावनाओं को भी थोड़ा दिखा दो उसमें। अभी तो ये लीप ऑफ फेथ मैंने लिया है जहाँ पे मुझे संगीत ही करना है, और पहला जो स्टेप है वो है कि मैं एक एल्बम के ये काम कर रही हूँ, मुझे एक एल्बम बनाना है अपना, और उसी तरफ मैं कर रही हूँ मतलब कुछ काम। तो एक बार आ जाए फिर तो मतलब आई बी वेरी फॉर्चुनेट अगर सब सबके पास तक पहुँचे वो एल्बम और गाना सबको सुनने में मिले, तो इस पे काम हो चल रहा है। इसके अलावा शोज़ वगैरह तो कर ही रही हूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि कोशिश कर रही हूँ कि कुछ प्लेबैक में मौका मिले, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि बहुत दूर तक पहुँचे आवाज़, अभी जितना लिमिटेड है सोशल मीडिया तक उससे ज़्यादा पहुँचे। और ये है कि बहुत फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत प्यार आ रहा है, ये है। और रिसेंटली आई वॉज फीचर्ड बाय अ पब्लिकेशन जहाँ पे मैं एक कलाकार जो है लाहौर से, फारूक भाई जो हैं, उनके साथ मैं अक्सर गाती रहती हूँ, तो हमारे जो भी डुएट्स हैं वो बहुत वायरल हो जाता है सोशल मीडिया में, लोगों को बहुत पसंद। हम लोग लता मुकेश डुएट्स गाते हैं, जगजीत चित्रा जी के गाने मोस्टली ज़्यादा गाते हैं बिकॉज वो भी बहुत बड़े फ़ैन हैं जगजीत साहब के। तो अक्रॉस द बॉर्डर जो है लोगों से बहुत प्यार मिलता है, और यहाँ पे भी सारे पब्लिकेशन फीचर करते हैं हमें, और ऐसे बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि दोनों एक साथ कोई शो करो, प्रोग्राम करो, लेकिन वो पता नहीं ऐसे ये दो कंट्रीज में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ऐसे रिलेशंस में कभी हम शो कर पाएंगे कि वो तो पता नहीं, लेकिन एक साथ गाते रहते हैं हम। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग करके उन्हें भेजती हूँ, वो वहाँ पे बैठ के अपना पार्ट गाते हैं, फिर हम लोग उसे मिक्स करते हैं, ऐसे बहुत मुश्किल से गाते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोई दिन तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, ताकि कलाकार एक दूसरे के साथ गा पाए,
मिलके लोगों का दिल बहला पाए। ये तो मतलब पहले जैसे हुआ करता था। नूरजहान जी आती थी, वो यहाँ से लता जी जाते थे। कितने इंटरव्यूज हैं, मैं जब वो देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई वॉल्स बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए संगीत में। अभी जो मैं शोज करती हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर हैं, यूएस में बैठे हुए हैं इंडियंस ऑफकोर्स, और या फिर ब्राज़ील में हैं, तो वो वहाँ से बोलते हैं कि बहुत पसंद है तलत महमूद साहब के गाने या गीता दत्त के गाने, तो आप शो करेंगी। ऐसे कुछ दोस्त रहेंगे और एक महफिल रहेगा, बड़ा स्क्रीन लगा देते हैं वहाँ पे, और इंटरनेट के वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं यहाँ बैठ के वहाँ उनको गीता दत्त के गाने सुना रही हूँ इतने मीलों दूर। तो ऐसे ही सिलसिला जारी है, और आप आशीर्वाद करें, और श्रोताओं से भी बहुत सारा प्यार आशीर्वाद चाहिए कि आगे बढ़ पाए ये सिलसिला और मुझे कोई मौका अच्छा मिले। बिल्कुल नहीं जी, आई डोंट थिंक आई एम अ गुड एक्टर। कैमरा देखते ही मुझे कुछ तो होता है, अनलेस आई हैव टू सिंग। जैसे इंटरव्यू, अभी गाने के बारे में बात करें तो मैं अच्छे से बात कर लूंगी, बट कुछ और पूछे तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ कि रेडी करके बोलना है।